व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज़। अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे साथ 0.5 हर्ट्ज के साथ ऑसिलेशन कर रहा है, व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड, तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ 0.5 हर्ट्ज है, और टाइम पीरियड हमारे साथ रिक्वायर्ड डेटा अननोन है। तो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है F=1/T। तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसके लिए यानी डेरिवेशन करते हैं ताकि हमारे साथ टी के लिए इक्वेशन मालूम हो जाए। तो यहाँ पर भी टी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी टी और टी कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ TF=1 आ गया। अब हम यहाँ पे टी को फाइंड करते हैं, तो हम इसको बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं एफ पे, तो टी के लिए फार्मूला हमारे साथ 1/F की बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे की रिसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1/0.5 हर्ट्स। तो फ्रिक्वेंसी हमारे साथ 0.5 की बराबर है, तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करें तो ये हमारे साथ 2 सेकंड की बराबर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे साथ 2 सेकंड की बराबर हो गया। तो इसी तरह हम फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। अब हम असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे साथ असाइनमेंट है, डिटरमाइन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग। हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे स्प्रिंग के लिए डिस्प्लेस्ड। अगर आप स्प्रिंग को 1.5 मीटर डिस्प्लेस करें तो इसके लिए हम रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे विद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 30.0 न्यूटन पर मीटर। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे साथ 30.0 न्यूटन पर मीटर की बराबर हो, तो हम यहाँ पे फर्स्ट गिवन डेटा लिखते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे साथ 1 अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे। यानी इसको आप रिक्वायर्ड डेटा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड डेटा। और गिवन डेटा में हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी 1.5 मीटर है, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे साथ गिवन है जो 30.0 न्यूटन मीटर की बराबर है। तो अब हमारे साथ रिस्टोरिंग फोर्स हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं F=-kx। तो F अपनी जगह पे आ गया क्योंकि हम F को फाइंड करते हैं और के वैल्यू हमारे साथ -30.0 न्यूटन मीटर है, मल्टीप्लाई एक्स हमारे साथ 1.5 है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे साथ -45 न्यूटन की बराबर हो गया। तो इस तरह हम रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड करेंगे।